भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। भाजपा के राज में क्या था मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहाँ आने से डरते थे, हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज। अपने लिए 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं या खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते, जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है। क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? आज यहाँ खड़े हुए हमें उन महापुरुषों की याद आती है जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। ये धरती स्वतंत्रता सेनानी इंद्रू केवट जी, सुखदेव पातर हलबा जी और कंगलू कुम्हार जी की है। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी की धरती है, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य होने के नाते बाबा साहब के साथ पिछड़ों और वंचितों के अधिकार दिलाए। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की एक सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5,000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था, कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहां बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है, आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सके और गांव में आप खुद काम करा सके। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव
आज पंचायतों में, गांवों में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे के को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है तो ये इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे ले रही, अब बढ़ा रही है। कैसे? आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई थी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए, आपके घरों में गए, गांव में गए, आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की। और सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता रहे उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि आपको समझें, आपकी समस्याओं को समझें और गहरी तरह से उनको सुलझाने की कोशिश करें। इसीलिए आपका भरोसा, आपका रिश्ता मेरे परिवार के सदस्यों से बना, कांग्रेस पार्टी से बना और आज कांग्रेस की सरकार से बना है। आपको पता नहीं होगा शायद कि जब मेरी दादी इंदिरा जी यहां आई थी तब स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का विकास कराएंगे और यहाँ के बच्चों को शिक्षित कराएंगे। तो आप ये इस बात का मिसाल कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा को आज कायम रखने का काम हमारी सरकार कर रही है, यही मिसाल है कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। यहाँ मैं स्टॉल में गई तो मैं कुछ बच्चों से मिली, कितना गर्व होता है, मुझे गर्व होता है, आपको तो और भी गर्व होता होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने नीट का की परीक्षा पास की है, किसी ने जी की परीक्षा पास की है। तो आपको कितना गर्व होगा कि आज जो आपके प्रदेश में सरकार है वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज बस्तर एक अंतरराष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का, ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है।
और इसमें विजन देखिए, ये बात देखिए कि ये बहुत आधुनिक चीज है एक तरह से, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? यहाँ बस्तर में है। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती यहाँ पे किसानों की आय बढ़ा रही है। बस्तर एक पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ देश भर से लोग आते हैं आपकी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बहुत लोगों को रोजगार मिला। आपकी संस्कृति, आपकी हुनर, आपकी कला को बढ़ावा मिला है, और उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप पर कोई अपनी संस्कृति को ठोसने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप ही की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 से ज्यादा वन उपज आज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। देश में कुल वन उपज जितने भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान छत्तीसगढ़ से है। लखनपुरी चरामा में रोजगार बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहां आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है और आपको प्रगति। इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन आज भी आप उनकी याद करते हैं और उन पर आज भी भरोसा है। बघेल जी की सरकार पर भी इसी तरह से आपका भरोसा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, भाई बहनों के लिए इतना काम करके आपको दिखाया है। आप जानते हैं कि गांव में मनरेगा लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, और ये आपका सौभाग्य है कि कांग्रेस की सरकार है आपके प्रदेश में, तो इन चीजों पर रोक नहीं है। कल मैं मध्य प्रदेश में थी और मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में पंचायतों की जो सत्ता है, पंचायतों को जो पैसा मिलता है, उसमें काफी रोक आया है, काफी कम हो चुका है, और काफी पंचायतों की शक्ति को कम किया गया है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपको मजबूत बनाने का काम किया जाता है, हर फैसला आपकी मजबूती के लिए लिया जाता है। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है। सब छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ विकास हर गांव में हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है, यहाँ का किसान खुश है। बाकी प्रदेशों में हम जाते हैं तो दुखी है किसान, त्रस्त है, परेशान है। यहाँ आते हैं तो किसान खुश है। और जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशी की बात ये है कि ये स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू हो रहे हैं। इसमें धरातल और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आम जनता के हाथ शक्ति में, हाथों में शक्ति दी जा रही है और सत्ता आपके हाथों में रहेगी। जबकि पूरे देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां ऐसा नहीं है, वहां पंचायतों का वित्तीय अधिकार भी कम हो रहा है। मौजूदा छत्तीस सरकार ने पेशा कानून पास करके पंचायत प्रतिनिधियों को और भी मजबूत बनाया, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज यहाँ स्थानीय निकायों के लिए अरबों रुपए का विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि ये सारा काम आपके प्रदेश में हो रहा है और आप ही के जरिए हो रहा है। देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों को
वित्तीय अधिकार देकर कांग्रेस ने यह साबित किया है कि असली लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, कि किसी दूर किसी कमरे में बैठे आपके लिए कोई अधिकारी निर्णय नहीं ले रहा है, आप खुद अपने लिए सही निर्णय ले रहे हैं। भाजपा ने क्या किया? इसका एकदम विपरीत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए, सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है, 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं या खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है, अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, अपने देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते, जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नियत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है, सुन लीजिए, आप यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ आपकी सरकार आपकी सहायता करती है, बिजली पानी सुविधाएं आपको मिलती हैं, देश भर में किसानों को मजबूत करने के बजाय किसानों की कमर तोड़ी गई है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। और अडानी जी, जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है, 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है, 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में, आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना? आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में
बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, है? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें। जब आप स्कूल की फीस भरने जाती हैं कितनी मुश्किल होती है आपके लिए, जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई नए कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, सब पे जीएसटी टैक्स लग जाता है। सब पे केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और उसका दाम बढ़ा दिया है। टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे, जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है, गैस के सिलेंडर को देखिए। इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी राज बताती हूं आपको। आज कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आपको याद है? आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, आपको राशन मिलता था। उस समय किसी को याद है कि सिलेंडर का क्या दाम था? 425 रुपए था। 425 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का आपको राशन मिलता था। तो 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। सही है कि नहीं बहने? सही है। अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 1125 रुपए से 1200 रुपए में। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो जहां आपको 485 रुपए में दोनों चीजें मिल जाती थी, आज 1125 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कौन खरीदेगा? अरे, इनके उद्योगपति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलेंडर खरीदेंगे? जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। आज बघेल जी ने कहा कि यहां पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहां पे दाम मिलता है
तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहां छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में, जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे, क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था हमारे खाते तो आज तक खाली हैं, ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है, घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की, कोई गारंटी नहीं है। ये जो भरोसा लिखा है ना, ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका। कुछ कुछ कहते रहते हैं लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है, और ये आपकी संपत्ति है। इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि एकदम जागरूक बन जाओ। यहां जो प्रदेश में सरकार चली है उसने आपके लिए काम किया है, और सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने, वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है, आपसे छीना नहीं है, जो आपका अधिकार था वो आपको वापस दिया है, जो आपकी संपत्ति है वो आपके हाथों में डाली है। 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में गए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 सालों में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनी हैं। गोठान समितियों से लाखों को रोजगार मिला है। यहाँ आप भी जब खत्म करेंगे जाके देखिए, गर्व होता है इस काम को देखकर। जहां जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की, उत्तर प्रदेश की हूं मैंने आपसे कहा, वहां आप देखिए, जहां देखेंगे वहां आवारा पशु खेती खा रही है, महिलाएं परेशान हैं रात भर, उनके पतियों को खेती में बैठना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, और दिन भर वो जाती हैं कि किसी न किसी तरह से खेती बच जाए। लेकिन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे ये समस्या हल भी हुई है, और इससे आपकी प्रगति भी हुई है, और आपको रोजगार मिले हैं, आपकी कमाई हुई है। वहां खड़ी हुई मेरी बहनें खुशी से खिलखिला रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा खुश हो,
मुस्कुरा के कहीं खुश है। कितना कमाया है हमारे समूह ने? 1,00,000 कमाया है। गर्व से कह रही है, अब इनको कौन दबाएगा? आगे बढ़ना शुरू हो गया है, विकसित होना शुरू हो गया है। तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से। खेती में देखिए, जैसे मैंने कहा, देश भर में किसान त्रस्त है, परेशान है, लेकिन यहाँ पे किसान खुश क्यों है? उसका कर्ज माफ किया गया, उसको सुविधाएं दी गई, धान के खरीद के जो दाम है सबसे ज्यादा है, तो खुश क्यों नहीं होगा? ये एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहाँ लोग किसानी का काम करना चाह रहे हैं, नए रोजगार बन रहे हैं इसके द्वारा। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जो उपज है, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, इन सब की किसानी के लिए आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। गाय, गांव, गोठान द्वारा किसानों की मदद हो रही है। प्रदेश में जितना संसाधन है, जितना धन है, सारा किसान, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के हाथों में दिया जा रहा है, आपके हाथों में वापस। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना गोबर की खरीद, अब तक 425 करोड़ का भुगतान इसमें हुआ है। आप सोचिए कितना लाभ हो रहा है आपका। इसीलिए जब आप भाजपा के प्रदेशों को देखते हैं, ध्यान से इनका आकलन करिए, ध्यान से देखिए, क्या ये सब स्कीम, ये सब सरकार की जो बातें हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या उधर भी हो रहा है? और आपको पता, सच्चाई पता चल जाएगी। चाहे आप मेरी बातों पे ना जाएं, हमारे नेताओं की बातों पे ना जाएं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन आप अगर आंख खोल के अगर जागरूक बनेंगे और अगर दूसरे प्रदेशों की ओर देखेंगे, तो आपको कांग्रेस के प्रदेशों में और उन प्रदेशों में बहुत फर्क दिखेगा। आज राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है। आज जो वादे उन प्रदेशों में किए गए, वो पूरे कर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ मिल रहा है, कर्नाटका में, हिमाचल में शुरू होने जा रहा है, राजस्थान में, जैसे यहाँ पर आपको चिकित्सा के लिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 25,00,000 तक मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये कांग्रेस में जहां जहां सरकार है उन प्रदेशों की बात है, और ये सच्चाई है। तो इसमें कोई, अगर आपको शक हो, आप खुद पूछ लीजिए, किसी राजस्थानी से पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है उस प्रदेश में। और आपको तो छत्तीसगढ़ का अनुभव है ही, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कितनी प्रगति हुई है और आपके लिए कितनी चीजें की हैं। किसानों की यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी है। तेंदुपत्ता बंडल का दाम 4,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। बीपीएल परिवारों का 5,00,000 तक निःशुल्क इलाज हो रहा है, और जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसमें 50-75% तक छूट भी मिल रही है। महिलाओं के लिए मेरी बहनें, कितनी योजनाएं हैं, मैं गिनवा सकती हूं आपको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया, 10,000 रुपए किया, सहायिका का 5,000 रुपए किया, मिनी आंगनवाड़ी को 7,500 रुपए किया, मितानिन बहनों को भी 2,200 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं, दाई दीदी क्लिनिक बनी महिलाओं के लिए, आपसे ही संचालित है। कितना अच्छा लगता है ये देखकर कि आप खुद इन क्लिनिकों का संचालन कर रही हैं और आप ही का लाभ हो रहा है। सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा मिल रही है। इतना अच्छा लगता है, यहाँ मेरी छोटी बेटियां खड़ी है जो इंग्लिश में बोल रही हैं, जो कह रही हैं कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात की हमने, जिनके बारे में आदिवासी बच्चियों की बार की शिक्षा के लिए इंदिरा जी ने बोला था, बघेल जी ने वो सपना साकार किया। ऐसी 50% महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण है। स्वयं सहायता समूह का करोड़ों का कर्ज माफ किया, और करोड़ों की कमाई भी होगी जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं उनके लिए। तो इस तरह की तमाम स्कीमें हैं
जो सिर्फ आपके लिए, आपके हाथों में सत्ता, आपके हाथों में आपकी संपत्ति देने के लिए बनाई जा रही है। मैं गर्व से आज एक और घोषणा करना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा पलायन यहां होगा, क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए, और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात जिसके जरिए छत्तीसगढ़ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी विकसित होगा। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ राम सीता वन गमन पथ बनाया है। भगवान राम जी ने अपने 14 वर्ष वनवास के यहीं बिताए। जहां जहां भगवान राम जी और माँ सीता जी के चरण पड़े उनमें से 75 स्थलों की पहचान करके उनको पर्यटन तीर्थों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि इनका अनुभव आपको है, आप खुद देख रहे हैं कि आपके प्रदेश में खुशहाली आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आपको कि चुनाव आ रहा है, शायद कल घोषित हो जाएगा, कुछ दिनों में पोलिंग का दिन आएगा, आप सब खास तौर से मेरी बहनें आप अपना वोट डालने जाएंगी। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समझ गए हैं कि जो मेरी बहनें हैं असली शक्ति इनके हाथों में है। आज सब आपके वोटों के पीछे दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। किसके प्रति है ये जिम्मेदारी? आपके देश के प्रति, आपके प्रदेश के प्रति तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है। आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना चाहती हैं कि नहीं? तो इसके लिए आप सबको, बहनों और भाइयों, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आप सबको सवाल उठाने पड़ेंगे कि आपके लिए क्या और कौन क्या करता है। और जब आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है, जब आपको भरोसा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में, तो 5 साल और इस सरकार को मौका दो ताकि आपका प्रदेश और भी मजबूत बने, और भी आगे बढ़े, और पूरा देश आपकी तरफ मिसाल देख, आपकी तरफ देखे कि ये मिसाल है। प्रदेश ऐसे चलना चाहिए, ऐसे विकसित होना चाहिए, और जो सरकार काम करती है इसी तरह से सरकार को काम करना चाहिए। इसलिए आज यहां खड़े हुए मैं आपसे कहती हूं कि आप अपने अनुभव पे उतरो, आप जागरूक बनो, आपका अपना कर्तव्य पूरा करो, अपने ही प्रति, अपने ही बच्चों परिवारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रदेश और देश के प्रति। और जब आप जागरूक बनेंगे तो ये स्पष्ट है कि आप कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्यों? आप अंदर जानते हैं कि कांग्रेस के ने आपके लिए दिन रात एक करके काम करके दिखाया है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, आज गर्मी भी है काफी, मेरी बहनों को मैंने पैदल चलते हुए देखा जब यहाँ आ रही थी, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। एक बार मेरे साथ कहिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय हिंद। धन्यवाद।